जय श्री राम मित्रों। मित्रों अगर आप टीवी सीरियल देखते हो या किसी यूट्यूब चैनल की वीडियो को फॉलो करते हो तो आपको केवल कर्ण, अर्जुन, भीष्म, द्रोण और भीम, दुर्योधन आदि के बारे में बताया जाता, जिससे आपको लगता होगा कि महाभारत में ये केवल कुछ योद्धा ही थे। परंतु आप गलत हो। महाभारत में ऐसे अनेकों योद्धा थे जो युद्ध कौशल में इन योद्धाओं के समान थे, परंतु उनको टीवी सीरियल में या तो दिखाया ही नहीं जाता, अगर दिखाया भी जाता है तो काफी कमजोर दिखाया जाता है। मित्रों अब हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको महाभारत के उन अनसंग वॉरियर के बारे में बताएंगे जिनको या तो टीवी सीरियल में कमजोर दिखाया जाता है या दिखाया नहीं जाता। यह इस सीरीज का पार्ट वन है। हम आपको इस पार्ट में कृतवर्मा के बारे में बताएंगे क्योंकि टीवी सीरियल्स में कृतवर्मा को काफी कमजोर दिखाया गया है। कथा महत्वाकांक्षा की, सत्य प्रेम त्याग प्रतिशोध युद्ध की, संसार की अनेक कथाएं जो छिपी है धर्मयुग में, कथा हमारे भारत की। सब्सक्राइब करें धर्मयुग। कृतवर्मा के पिता का नाम हर्दिकाय था। यह नारायणी सेना के 7 मुख्य कमांडर में से एक थे। जब दुर्योधन को नारायणी सेना मिली तब नारायणी सेना के साथ कृतवर्मा को भी दुर्योधन के पक्ष से युद्ध करना पड़ा। कुरुक्षेत्र युद्ध में कृतवर्मा ने पांडव सेना को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई थी। कृतवर्मा एक अतिरति श्रेणी के योद्धा थे। युद्ध में इन्होंने कई बार भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शिखंडी और दृष्टुमन जैसे योद्धाओं को परास्त किया। जब भी कृतवर्मा का युद्ध भीम से होता था तब अधिकांश अवसरों पर कृतवर्मा भीम पर हावी होते थे। युद्ध के 14वें दिन अकेले कृतवर्मा ने शिखंडी, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ उनकी पांचाल की सेना और कैकेयी की सेना को भी परास्त कर दिया था। तब इनकी सहायता के लिए सात्यकी को वहां आना पड़ा था। 18वें दिन के रात्रि में जब अश्वत्थामा पांडव शिविरों पर आक्रमण कर देता है तब कृतवर्मा भागते हुए पांडव सैनिकों को कृपाचार्य के साथ मिलकर मार देते हैं तथा पांडवों के शिविर में आग भी लगा देते हैं। अब भी कुछ लोग इन्हें कमजोर समझ रहे होंगे तो मैं उनको बता दूं कि कृतवर्मा कौरवों की ओर से जीवित बचने वाले 3 योद्धाओं में से एक थे। जिस युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धा मारे गए उस युद्ध में कृतवर्मा जीवित बचे, यही उनके शक्तियों के बारे में बता देगा। मुसल पर्व में कृतवर्मा का वध सात्यकी के द्वारा किया जाता है। कृतवर्मा की एक बहुत अच्छे वॉरियर थे, इस बात में कोई संक्षेप नहीं है। अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आने वाली सीरीज की जो पार्ट 2 है उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्मयुग को सब्सक्राइब कीजिएगा।